हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसान करने के लिए सेकंड टेस्ट सीरीज लाए हैं। इससे पहले हम फर्स्ट टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो टेस्ट सॉल्व नहीं किया है तो उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और उसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज हमने लिया है लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश का पेपर। बच्चों, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जरूरी है बच्चों। लैंग्वेज पेपर पे भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि दूसरा पेपर, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, और जो जो पेपर से रिलेटेड जो भी बातें होगी मैं आपको वीडियो के दौरान बताती रहूंगी, ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो। तो आज का हमारा पेपर है इंग्लिश का, और इसके मैक्सिमम आपसे 80 मार्क्स, और इसके आवर्स हैं 3 आवर्स। बच्चों, आप हमेशा जब रीडिंग टाइम मिले तो अपने क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ें, और जो नहीं आ रहा हो आपको, एक बार उसको हल्का सा टिक मार्क लगा लें उस पे, ताकि क्या बाद में वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। कई बार क्या होता है, हम जब दूसरा पेपर करने लग क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो हमारा वो क्वेश्चन छूट जाता है, तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए टिक लगा लें और बाद में उसको देख लें कि हमें इस पे आप वापस उसको करना है, क्योंकि पहले उस पे टाइम वेस्ट मत करें। पहले जो आ रहा हो वो पेपर मतलब वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ले पहले। और बच्चों, वैसे लैंग्वेज पेपर आसान होता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, खास करके इसमें राइटिंग में, क्योंकि वो अपने बात को प्रेजेंट करने का एक तरीका आना चाहिए आपको। इसके लिए जरूरी है कि आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, और ग्रामर में भी फिर मिस्टेक्स नहीं होती, और इससे आपको अच्छे मतलब स्कोर कर पाएंगे आप अपने फाइनल एग्जाम में। बच्चों, आपको और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सोल्व कर देंगे। बच्चों, हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, ताकि आपका एग्जाम का फियर भी खत्म हो जाएगा, और जो एग्जाम में घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो अभी जो आपका टाइम है, हर मिनट आपके लिए प्रीसियस है, तो 1 महीने फुल तैयारी अपने एग्जाम के लिए कीजिए।